हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे एक स्टूडेंट हैं जो मुझसे मिलने आए हैं, जिनका नाम है अनुभव वशिष्ठ। ये यूपी के बुलंदशहर में रहते हैं। इनका सिलेक्शन यूपीपीसीएल में हुआ है TG2 की पोस्ट पे और फिलहाल इनकी पोस्टिंग जेवर में है। नौकरी करते हुए इनको लगभग मार्च से इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, तो लगभग 4-5 महीने हो गए हैं। आज अनुभव वशिष्ठ ढेर सारी मिठाइयाँ वगैरह लेकर के आए हैं, तो आपसे मुलाकात करवाते हैं। और जो भी बच्चे यूपीपीसीएल TG2 की ITI की बेसिस पे जितने भी एग्जाम हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनको जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। आइए अनुभव, ये हैं अनुभव हमारे साथ। इनको हम सभी लोग बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं कि एक ऐसे बैकग्राउंड से निकल करके नौकरी इन्होंने हासिल की, जहां से नौकरी पाना बहुत आसान नहीं होता है। इन्होंने ITI मुझे लगता है 2010 में किया था, 2013 में किया था ITI, 2013 में इन्होंने ITI किया था। उसके बाद एक लंबा गैप हुआ है, उस लंबे गैप में वो बैठे नहीं थे, लगातार नौकरी करते रहे हैं और फाइनली जाकर के जो पिछली वैकेंसी यूपीपीसीएल में आई थी उसमें इनका सिलेक्शन हुआ है। अच्छा अनुभव, सबसे पहले तो अपने घर के बारे में बताइए कि पापा मम्मी कौन कौन है, क्या क्या करते हैं, और उसके बाद की फिर जर्नी की बात करते हैं। सबसे पहले आपको मेरा तरफ से बहुत बहुत सब मतलब मेरी नौकरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, आपके लिए भी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी स्टडी हमें दी, और इस करियरविल परिवार का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस ऑनलाइन एजुकेशन से हम जैसे लोगों को भी नौकरी मिल पा रही है इस ऑनलाइन एजुकेशन से। आराम से कौन कौन है घर में? हमारे में है मेरे पापा जी हैं, मम्मी हैं, और मेरी छोटी सिस्टर थी, उसकी शादी हो गई, अभी तो पापा मम्मी हैं फिलहाल सर। आपने ITI 2013 में किया, उसके बाद जॉब की क्या किया? मैंने ITI की सर 2013 में, उसके पहले भी मैं थोड़ा जॉब करता था ITI के करने के दौरान भी, और उसके बाद भी मैं कंटिन्यू जॉब ही करता रहा हूँ प्राइवेट कंपनियों में। कौन कौन सी कंपनी में जॉब आपने किया और कितने कितने महीने, लगभग उन कंपनियों के जरा नाम बताइए। सबसे पहले मैंने जॉब की थी सर, अप्रेंटिसशिप की थी यामा से ITI के बाद में, उसके बाद में पामीटेबल्स में था मैं, पामीटेबल्स के बाद में कैरी फूड्स गुड़गांव, उसके बाद में यूपी टोयोटा फाइबर ग्लास सिकंदराबाद, अभी रिसेंटली कैलाश हॉस्पिटल में था, RSPL ग्रुप में भी जॉब की थी। मैंने लगभग 12-13 कंपनियों में जॉब की है। 12-13 कंपनी में जॉब की, कभी अनुभव बैठे नहीं रहे ITI करने के बाद, और पैसा भी खूब कमाया। लास्ट सैलरी आपकी कितनी थी प्राइवेट सेक्टर में जब छोड़ी आपने? जब मैंने जॉब छोड़ी है सर, कैलाश हॉस्पिटल में था मैं, और लगभग 27-28 हजार रुपए के समथिंग मेरी सैलरी आती थी। 27-28 हजार सैलरी थी, और अभी फिलहाल यूपीपीसीएल में इन हैंड कितना आपको मिल रहा है? यूपीपीसीएल में सर मेरी सैलरी लगभग 44 हजार रुपए है। 44 हजार रुपए है, यानी सैलरी भी थोड़ी सी बढ़ी है, एक तरीके से थोड़ा सा प्रेस्टीज भी सरकारी नौकरी के साथ जुड़ भी जाता है, तो उसमें तो वृद्धि हुई होगी सरकारी नौकरी पाने के बाद या नहीं? सरकारी नौकरी पाने के बाद प्रेस्टीज तो वृद्धि हो ही जाती है सर, वो तो बिल्कुल फर्स्ट है। अच्छा अनुभव, बाकी बातें हम करेंगे, पहले अनुभव का मुंह मीठा करा देते हैं। अनुभव ढेर सारी मिठाइयां लेकर के आए हैं, तो अनुभव सारी मिठाइयां एक हैं या अलग अलग हैं? अलग अलग हैं सर, सारी सारी अलग अलग हैं। ये देखते हैं कौन कौन सी मिठाई अनुभव लेकर के आए हैं। अनुभव आए हैं, अनुभव के साथ इनके ताऊ जी के बेटे भी आए हैं, अनुभव के भाई भी, वो भी मेरे स्टूडेंट है, बट वो भी तैयारी कर रहे हैं और अनुभव सेलेक्टेड है। ये मिठाई है, इन मिठाइयों को खाने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। आप मीठा खाते हो या नहीं, क्यों अनुभव? क्योंकि सालों साल की मेहनत, आपकी मेहनत, मेरी गाइडेंस दोनों मिल करके मिलते हैं, तब जाकर के ऐसी मिठाइयां मिलती हैं। मम्मी खाओ। कर नहीं दिख नहीं रहा। आकाश एक मिठाई तो हो गई। ये है दूसरी मिठाई, बस आधी देना है इसमें। आधे नहीं, पूरा, आज कंजूसी मत करो। और
ये मिठाइयाँ आपने अनुभव जेवर चली हैं या फिर बुलंदशहर से या फिर दिल्ली से, कहाँ से? यहीं से ली है सर, दिल्ली से ही सारी मिठाइयाँ। दिल्ली से। कि अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ लेकर के आए हैं अनुभव, क्योंकि अनुभव को पता है मैं मिठाइयाँ खाता हूँ। अभी थोड़ा कम कर दिया है, थोड़ा सा ही कम किया, ज़्यादा नहीं। ना दे दो सर, इसमें से काफ़ी ज़्यादा हो जाए। कुछ ज़्यादा नहीं है। खाओ। ज्यादा तो नहीं हो रही है ना? ज्यादा हो रही है, मैं जग गया हूँ बिल्कुल। इसमें सब थोड़ी देना बस। ये मिल्क केक है ना? हाँ जी। आप भी खाओ। जो खाओ। नहीं सर खाओ। ये सर आप करके लिए ले जाना अपने बाकी स्टाफ को, तो दे बस सर। इसके लिए सर के लिए वो आपके लिए करके लिए ले जाना है, बाकी मेरे लिए नहीं है। बाकी सर आप ऐसा स्टाफ में भी दोगे तो इसलिए। यहाँ पे और भी स्टाफ के लोग हैं, ये हमारी तरफ से आप घर के लिए ले जाना मैडम के लिए। हाँ सर। ये तो अपना घर पे हमें नॉलेज ना है, क्या बच्चों के लिए ले सकते। तो ये थे अनुभव जो मिठाइयाँ लेकर के आए थे, हमने टेस्ट किया इसको। हम उम्मीद करते हैं आप भी जब सिलेक्शन पाते हो और मिठाई लेकर के आते हो, तो आपके जो सालों साल की मेहनत है और मेरी जो सालों साल की तपस्या है, दोनों में एक चार चांद लग जाते हैं। जैसे अनुभव है, नौकरी तो उनकी काफी दिन पहले लग गई, मार्च में ज्वाइनिंग हुई है। मार्च में ज्वाइनिंग हो गई। कितना टाइम क्यों लग गया अनुभव आने में? सर आने में टाइम क्या, बहुत ज्यादा प्रेशर भी रहता है थोड़ा सा। कभी मैं आने के लिए तो बहुत दिनों से चाह रहा था, आपसे पिछले कई दिनों से बात भी हो रही थी, तो आपने भी थोड़ा नेक्स्ट वेडनेसडे को आ जाना, उसके पहले मैंने फोन किया, तो इस वजह से थोड़ा सा ड्यूटी से भी टाइम नहीं मिल पाता है। आने को तो मैं चाह रहा था, तभी जब जॉब लगी थी मैंने कहा तभी सर के पास चलना है जरूर। तो ये थे अनुभव। अब अनुभव से इसकी तैयारी वगैरह को लेकर के बाकी चीजें डिस्कस करते हैं। अनुभव सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने तैयारी करनी है गवर्नमेंट जॉब की या यूपीपीएससी की, कब सोचा ऐसा? क्योंकि प्राइवेट जॉब तो आप कर ही रहे थे, पैसे थोड़े बहुत आ ही रहे थे, सरकारी नौकरी की तैयारी करने के बारे में कब सोचा आपने, किस ईयर में? सर मैं प्राइवेट जॉब करता था और एक हमारे गांव से एक लगे हुए थे यूपीपीएससी में ही, तो उन्होंने मुझे बोला था कि तुम फॉर्म भरो। तब तक मैं इतना ज़्यादा अवेयर नहीं था उसके लिए और तैयारी भी नहीं करता था, मेरे लगता था कि प्राइवेट जॉब से ही अपना काम करना है। लेकिन उन्होंने बोला तो फिर मैंने फॉर्म भरना स्टार्ट किया। उसके बाद में ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में हमारा ताऊ जी का, चाचा जी का लड़का है एक, उसने मुझे बताया कि करियरवेल ऐप इंस्टॉल कर लो, वहाँ से तुम्हें टीचर सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, टीचर जो भी होंगे वहाँ पे वो अच्छे ही होंगे, बस तुम्हें मन लगा करके पढ़ना है। तो करियरवेल ऐप के बारे में मुझे मेरे चाचा जी का लड़का है रमाकांत, उसने सजेस्ट किया था। उसके बाद में फिर आपसे मुलाकात हुई और मैं लगातार 2020 से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। आपका जिस भी प्लेटफॉर्म पर जो भी बैच आया है मैं कंटिन्यू उसको लिया हूँ। तो अनुभव यानी 2020 से तैयारी स्टार्ट की। अनुभव अपने नोट्स लेकर के आए, कई बार बच्चे कहते हैं सर नोट्स नहीं बनाएंगे, पीडीएफ से काम चला लेंगे। अनुभव अपने सारे नोट्स बकायदा लेकर के आए, जरा दिखाना नोट्स अनुभव ने। ये अनुभव के नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स अनुभव ने खुद बनाए हैं वीडियो देख करके। तो पीडीएफ से आप लोग काम चला लेते हो ठीक है, पर खुद के जो नोट्स होते हैं ना उससे रिवीजन करना आसान होता है। आपकी आंखों को आपकी लिखी हैंडराइटिंग सबसे अच्छी लगती है, सबसे अच्छे से समझ में आती है, और एक बार जब आप उसको देख लेते हो दिमाग में छप भी आसानी से जाता है। तो ये नोट्स हैं, आप देख सकते हो कैसे उन्होंने लिखा है सारी चीज़ों को, दिख रहा है ना? सेंसिटिविटी वगैरह है, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट का है, ये कंट्रोल सिस्टम भी है इसमें अनुभव।
ये आपके नोट्स अनुभव के देख रहे हो कितने साफ साफ सुंदर सुंदर लिखे हुए हैं। ये उसका है सर, फर्स्ट टाइम जो आपका बैच लिया था। ये जो है ये जब स्टार्ट की थी स्टडी हमने तो किसी और के रजिस्टर में ऐसे ही लिखना स्टार्ट कर दिया था, मूड उस टाइम पे इतना नहीं था। हाँ, फिर धीरे धीरे ये अनुभव के नोट्स आप देख पा रहे हो, देखो तो अनुभव ने नोट्स बहुत साफ सुथरा बनाया हुआ है। और नोट्स एक बार बनाने में टाइम जरूर लगता है, मेहनत जरूर लगती है, लेकिन एक बार बन जाता है तो रिवीजन करने का काम बहुत आसान हो जाता है। किसी दूसरे का नोट्स कितना भी सुंदर क्यों ना हो, आपकी आंखों को वो नहीं भाता है। इसमें हमने जो चीजें लिखी हैं वो आसानी से रिकॉल हो जाती हैं, याद करते हैं तो कभी खुद का लिखा हुआ आसानी से याद रहता है। और ये जो मेरा आंसर की एनालिसिस का है सर, जो मैंने गलतियां की हैं उनको, मतलब मैंने इसमें लिखा है कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में मुझसे गलत हुआ, यानी जब आप कोई एग्जाम देते थे उसमें जो गलतियां आप करते थे वो उसको आपने इसमें लिख रखा, इसमें नोट डाउन करता था। मेरे जो भी गलत क्वेश्चन हुए जितने भी हर एग्जाम के, एग्जाम वाइज मैंने इतने मार्क्स उसमें पाए, इतने क्वेश्चन मेरे नोट अटेम्प्ट थे, इतने मैंने किए, वो सारा डाटा, यानी किसी एग्जाम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने सही हुए, कितने गलत हुए, और ये सारी एनालिसिस अनुभव करते थे एग्जाम देने के बाद। और करनी भी चाहिए, क्या ऐसा कौन सा टॉपिक है, ऐसा कौन सा एरिया है जो आपका थोड़ा सा वीक है जिस पर आपको काम करना चाहिए। और ये भी आपका उसी का है सर, करेबल वाले बैच का। अच्छा अच्छा, ये भी नोट्स है इनका। कुछ बैचेज में मैंने अनुभव के नोट्स अपलोड भी करवाए हैं। क्यों अनुभव? हाँ सर, कराए थे करेबल वाले। हाँ, जैसे बच्चे कई बार कहते हैं सर हमको पीडीएफ दे दीजिए, तो पीडीएफ मैं कैसे दूंगा? जैसे पुराना कोई बैच है उसके बच्चे नोट्स बनाए वही नोट्स डलवा देता हूं मैं। ये है क्योंकि हर बैच में कुछ कुछ एक्स्ट्रा ऐड होता रहता है, तो मेरे पास हैंड रिटन नोट्स तो है नहीं, तो किसी बच्चे का ही डलवाते हैं। तो अनुभव के नोट्स कई सारे बैचेज में हैं, तो अनुभव ने ये चार नोट्स लेकर के आए हैं। और अनुभव का ही कहना कि सर आपने जितना पढ़ाया है उसका केवल 60% हमने पढ़ा है, अगर हम 100% पढ़ के जाते तो पता नहीं क्या हो जाता, ऐसा है क्या अनुभव? नहीं सर, ये बिल्कुल सही बात है। मैंने जितना आपने पढ़ाया है सही में ही 60-70% मैक्सिमम पढ़ा होगा, उसी के बेसिस पर एग्जाम दिया है। कुछ बच्चे कहेंगे सर हम तो पूरा 100% पढ़ के बैठे हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इनका 60% पे कैसे हो गया, फिर क्या बोलोगे? उन बच्चों के लिए मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, एक इंटरव्यू में मैं बोला था बच्चे नाराज हो जाते हैं। बच्चे दरअसल ईमानदारी से पढ़ते तो सेलेक्ट जरूर होते, और फिर सिलेक्शन होना ना होना थोड़ा सा किस्मत पर भी निर्भर करता है, लेकिन कम से कम हमारे इतने मार्क्स आने चाहिए जो सेटिस्फाइड मार्क्स हो, मतलब हमें ये संतुष्टि हो जाए कि हमने ये पढ़ा है तो इतने मार्क्स हमारे आ गए तो ठीक है, सिलेक्शन ना हो तो कोई बात नहीं, कभी कभी नहीं भी होता है। आपकी शिफ्ट कौन थी, कितने नंबर आपके आए थे अनुभव? मेरे मार्क्स आए थे सर 135-136 ऐसे थे शायद। टेक्निकल में कितने थे, नॉन टेक में कितने थे? टेक्निकल में मेरे ख्याल से 116 नंबर थे, 116-117 नंबर थे शायद, और नॉन टेक में थे। कंप्यूटर का बेड़ा कैसे पार किया था आपने, क्योंकि कंप्यूटर तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ, कैसे पढ़ाता उसको आपने? कंप्यूटर पूरी तरह तुक्के मार सिस्टम था सर वो, बिल्कुल मेरे 16 क्वेश्चन उसमें सही थे 50 में से, बाकी मैंने पूरे 34 क्वेश्चन उसमें तुक्के लगाए और बाकी उसमें से 14 क्वेश्चन मेरे सही हो गए। कंप्यूटर में मेरे 30 सही हुए थे 50 में से, बाकी कॉन्फिडेंशियली मुझे 16 ही आते थे। यानी 50 में से 16 इनको आते थे, जब लगा किससे काम नहीं होने वाला तुक्का मारा और तुक्के में कुछ चीजें सही हो गई, यही ना? यही सर, यही तुक्का मारना मैंने सीखा है विकास दिव्य कीर्ति सर से, बड़ी बारीकी से जाना है तुक्का लगाना है तो कैसे लगाना। अच्छा, आपकी कोई कैटेगरी भी लगती है, कौन सी कैटेगरी, जनरल है या ओबीसी है, क्या है? जनरल लगती है, वैसे ईडब्ल्यूएस से मैंने भरा था फॉर्म, जनरल ईडब्ल्यूएस से जी। अच्छा, इस पूरी तैयारी में आपने प्राइवेट जॉब भी किया, एग्जाम भी दिया, और कोई ऐसा एग्जाम था जिसमें आप रिटर्न ओवर क्वालिफाई किया था या नहीं? सर वो एक UPRUNL का था मेरा, उसमें रिसेंटली 110 पोस्ट थी तो 160 बच्चे उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए थे DV के लिए, उसमें मैं शॉर्टलिस्ट हुआ था। इसरो वाले में मैं एक दो नंबर से रह गया था, DRDO में भी दो नंबर से रहा था। यही होता है कई बार जब आप लक्ष्य के करीब जाते हो ना, पहले जाते हो वापस लौटते हो, एक नंबर दो नंबर तीन नंबर से आधे आधे नंबर से रुकते हो। कई ऐसे बच्चे हैं जो ना जो 0.2-0.25 मार्क्स से रह जाते हैं और साल दो साल वेट करना पड़ जाता है, कितनी तकलीफ उनको होती होगी। इसलिए जब आप तैयारी करते हो ना तो आधे एक नंबर के गैप की गुंजाइश मत छोड़ा करो, उसके चक्कर में साल दो साल वेट करना पड़ जाए। तो अनुभवी कई सर एग्जाम के करीब पहुंचे, फाइनली UPPCL में सेलेक्ट हुए, यही सपना भी था आपका सर? हाँ सर, हाँ यही चाहता था मैं, UPPCL वाली जॉब। उन्होंने तैयारी स्टार्ट की थी तो UPPCL में ही जाना चाहते थे और वही जॉब लगी। कई बार बच्चों की जॉब कहीं और लग जाती है, तैयारी किसी और एग्जाम की करते हैं, बट अनुभव को वही जॉब मिली जिसकी तैयारी भी करते थे। बीच में काफी संघर्ष भी किया अनुभव आपने तैयारी के दौरान, जब 2013 में ITI करने के बाद, क्या रहा वो संघर्ष? संघर्ष में सर यही है, मैं प्राइवेट जॉब करता था, कभी कभी टाइम मिलता था पढ़ने के लिए, फिर बहुत दिनों तक पढ़ाई नहीं होती थी, फिर दोबारा से पढ़ना है,
रिकॉर्डेड फॉर्म में मैंने आपकी क्लासेस ज्यादातर देखी हैं, लाइव क्लास तो मैं बहुत बाद में अब आकर के प्रैक्टिस बैच जो आया उसमें ज्वाइन कर पाया हूँ, वरना मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में ही ज्यादातर देखता था। दुकान वगैरह भी खुली थी आपने बीच में? हाँ जी सर, एक दुकान थी, सेल्समैन ही भी की है मैंने। छोटा सा था तब मैं, सेल्समैन ही करता था उस टाइम पे, 18 साल का हुआ नहीं था तो कोई कंपनी में लेता नहीं था, तो मैं अपना ऐसे दुकान करता था, सेल्समैन ही करता था, बीड़ी गुटखा सिगरेट तंबाकू टॉफी ये बेचता था। बेचते खाते तो नहीं थे ना? यानी एडवर्सिटीज जो होती है ना वही इंसान को मजबूत बनाती है, विपरीत परिस्थितियां। इन्होंने दुकान भी खोली, बिजनेस जॉब भी किया कई सारी जो है, और उसके बाद फाइनली जाकर के यूपीपीसीएल में इनका सिलेक्शन हुआ। इनका कहना है कि इन्होंने 60-70% पढ़ा होगा, लेकिन मैं पढ़ाते वक्त इस चीजों को बताया करता था कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ के जाननी है, कुछ चीजें हैं जो शायद कम इंपॉर्टेंट है, आप छोड़ के जाओ तो भी काम चल सकता है। शायद अनुभव ने जरूरी चीजों को पढ़ा होगा, बार बार पढ़ा होगा, रिविजन किया होगा, इस वजह से इनका सिलेक्शन हुआ। अच्छा, कई बार अनुभव ऐसा लगा होगा कि शायद मेरे बस का नहीं है या मुझसे नहीं हो पाएगा, इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं। आपके ही बैच में कई सारे बच्चे ऐसे थे जो तुरंत जवाब देते थे, सवाल पूछो और तुरंत जवाब देते थे, उन बच्चों का सिलेक्शन कई बार नहीं हो पाता है, नहीं हुआ है, अनुभव का सिलेक्शन हुआ। तो कई बार बैच के अगर टॉप जो बच्चे हैं, सबसे अच्छे बच्चे हैं, उनका सिलेक्शन सबसे पहले हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। आप अगर लगातार मेहनत करते हो, आपके अंदर विश्वास है, भरोसा है कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, तो आपका सिलेक्शन फिर हो जाता है। तो रेगुलरिटी जरूरी है, मन में विश्वास जरूरी है, और आप पढ़ते रहोगे तो सिलेक्शन होगा। अगर आपका आईक्यू बहुत अच्छा है, पहले से नॉलेज बहुत अच्छी है, बट कई बार ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, कुछ कदम चलने के बाद रुक जाते हैं, जहां पहली अड़चन मिलती है उनको लगता है कि शायद मेरे बस का नहीं है, या मन में डाउट्स आने लगते हैं। वो डाउट्स आपके मन में नहीं आने चाहिए। आपके मन में क्या प्रॉब्लम्स आती थी? वो जब कई बार एग्जाम में देते थे, सिलेक्शन नहीं होता था, कुछ टॉपिक्स पढ़ने पे जल्दी या पहली बार में समझ भी नहीं आता होगा, कैसे डील करते थे उससे आप? डील करता था सर, आपने एक बार एक लाइव क्लास में हमें बताया था एक स्टेटमेंट मेरा, अभी वो मैंने अपना व्हाट्सअप का भी वो लगाया हुआ है, स्टेटस पे भी, एफबी पे भी है, इफ यू कैन नॉट रन एटलीस्ट वॉक, इफ यू कैन नॉट वॉक एटलीस्ट क्रॉल, अगर आप मतलब दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो। तो मैंने बस ये सोचा मेरे पास में दौड़ने लायक जित टाइम नहीं है, फिर कभी कभी चलने लायक भी नहीं होता, बाकी रेंगने लायक भी ना हो तो ये तो अपने आप से मतलब ईमानदारी नहीं है, बेईमानी कर रहे हो, तो मैं कंटिन्यू रेंगता रहा, बस ये है। वही जरूरी है, रेगुलरिटी जरूरी है। भले आप दिन में आधे घंटे ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए। आप कई बार 8 घंटे पढ़ते हो, कई बार 0 हो जाता है। अनुभव कहना है 8 घंटे नहीं पढ़ सकते, 4 घंटे पढ़ो, नहीं 4 घंटे पढ़ सकते, आधे घंटे पढ़ो, लेकिन 0 मत करो, रेंगते रहो एटलीस्ट। यही जी सर जी, बिल्कुल रेंगना बहुत जरूरी है। फ्रस्ट्रेशन अगर आता था तो कैसे डील करते थे उससे? नहीं आता था फ्रस्ट्रेशन? फ्रस्ट्रेशन तो क्या आएंगी सर, मैंने ऐसी सिचुएशंस को हैंडल किया है, अब फ्रस्ट्रेशन मेरा क्या करेंगी। मैं तो बहुत मतलब पक चुका था, एकदम होगा सिलेक्शन, ये मुझे उम्मीद थी, लेकिन नहीं भी होगा। कई बार क्या होता है, हमारी दो परिस्थितियां होती हैं, एक समझ लो आप बेस्ट केस सिनेरियो होता है कि अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है, हम सेलेक्ट हो जाएंगे। एक वर्स्ट केस सिनेरियो होता है, मतलब खराब से खराब क्या होगा, नहीं सेलेक्ट होंगे। तो हमें अपनी लाइफ में ना दोनों चीजों को कंसिडर करना चाहिए, वैसे पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए जब हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें ये रखना चाहिए अपने माइंड में कि सेलेक्ट हो ही जाएंगे। लेकिन कई बार क्या है ना, वर्स्ट केस सिनेरियो को कंसिडर करने का एक बेनिफिट ये है कि फियर ऑफ फेलियर्स को रिड्यूस करता है। हमारे मान लो सिलेक्शन ना होने की कई बार संभावनाएं हो गई, हम नहीं सेलेक्ट हो पाए, तो उसमें जो मतलब फियर ऑफ फेलियर्स है ना, मतलब हमारा जो असफलता का डर है, उसको कम करने में बहुत मददगार साबित होता है, अगर हम उसको पहले से मान के चलें तो। एक्चुअली अनुभव एक तो प्राइवेट जॉब करते थे, तो साथ में इनको बहुत ज्यादा सोचने के लिए, विचारने के लिए टाइम नहीं मिलता, जो टाइम मिलता था उसमें पढ़ते थे। कई बार जब आप खाली बैठते हो ना, तो फिर कई सारे बुरे विचार आपके दिमाग में आते हैं। ये तो मैंने देखा है कि जो बच्चे प्राइवेट जॉब करते हुए तैयारी करते हैं या जॉब करके आते हैं तैयारी करने, उनके सिलेक्शन का रेशियो थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि उनको समय की कीमत पता है, जॉब में कितना घुट घुट के काम करना पड़ता है, कितना स्ट्रगल है, तो जब वो तैयारी करने आते हैं तो समय की कीमत पहचानते हैं वो। अच्छा अनुभव, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएल टीजी टू की, या बिहार में टेक्नीशियन की पोस्ट आई है, या एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी आईटीआई के लेवल के एग्जाम है, उनकी तैयारी जो भी बच्चे कर रहे हैं, उनको आपकी तरफ से कोई ऐसा यूनिक सा मैसेज जो मैंने ना बताया हो, कोई और ना बताता हो, और आपको लगता है ये चीजें हैं जो काम की चीजें, बच्चों को पता होनी चाहिए? सर सबसे ज्यादा तो इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो किसी और से नहीं, खुद से पूछ लें कि हाँ हम तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको खुद जवाब मिल जाएगा इस चीज का। ईमानदारी से तैयारी करें, और सबसे बड़ा जो बढ़िया अच्छा फॉर्मूला है वो तो यही है कि वो लगातार मतलब वो ये रेंगते रहें कंटिन्यू, थोड़ा पढ़ें लेकिन पढ़ें जरूर। और ज्यादा पढ़ने वाले जो बच्चे हैं ना, कई बार मैंने देखा है, मैं कई ऐसे बच्चों को जानता भी हूं जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ना तो गलत है मेरे हिसाब से। हम जिस एग्जाम के लिए जा रहे हैं उस एग्जाम में बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती कि है। अभी आप ये बताइए, 24 घंटे का दिन होता है,
सभी को वही होता है सभी के लिए, चाहे वो कोई बच्चा छोटी सी जॉब की तैयारी कर रहा हो, चाहे कोई यूपीएससी की कर रहा हो, एक दिन 24 घंटे का ही होगा सभी के लिए। अगर हम 18-18 घंटे 16-16 घंटे पढ़ेंगे तो यूपीएससी वालों के लिए तो फिर भगवान को अलग से दिन बनाना पड़ेगा। हमारा इतना पढ़ने का जरूरत मतलब है नहीं इस एग्जाम के लिए कि हमें इतना पढ़ना पड़े, बाकी ईमानदारी से पढ़ें और हम ये देख लें कि कितने टाइम में हमें जॉब की जरूरत है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि ओवर एज निकलने वाली है उनकी, तो उनको तो थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। बाकी जिनके पास में एज भी है वो थोड़ा फ्री माइंड से होकर के जो चीजें पढ़ें उसको परमानेंटली हमारे माइंड में सेव हो जाए, इस तरह से पढ़ें। मैं जो भी पढ़ता था, भले ही मैंने इतने दिनों में जॉब हासिल की है, मैं आज से 6 महीने तक भी उन चीजों को ना पढ़ूं तब भी मुझे जब एग्जाम में वो मिलेंगे ना उसके मल्टीपल चॉइस, तो उसमें से आंख बंद करके भी उसी की तरफ जाएगा हाथ जो क्वेश्चन सही है। तो चीजों को पढ़ना उस हिसाब से चाहिए जो हमारे माइंड में परमानेंटली सेव हो जाए, इस तरह से पढ़ना चाहिए। भाग दौड़ करके हम पढ़ लिए आज 10 घंटे, बहुत सारी क्लासेस देख ली, बहुत सारा पढ़ा, कल को कुछ याद नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं, वो यूजलेस है। यानी अनुभव का ये कहना है कि आप 12-15 घंटे पढ़ने पे मत जाइए, बहुत ज्यादा घंटे मैटर नहीं करते, मैटर ये करता है कि भले ही आप 4 घंटे 5 घंटे 3 घंटे पढ़िए, बट वो क्वालिटी स्टडी होनी चाहिए कि आप जो पढ़ो आपको समझ में, आपके दिमाग में घुसे। दिन भर किताब खोल के बैठने का कोई मतलब नहीं है, जब भी किताब खोलिए उस दौरान उसको सीखते रहिए। अच्छा अनुभव, इसके अलावा और भी कोई मैसेज है जो आपने सीखा है, क्योंकि आपने बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां झेली हैं, बच्चों के लिए कोई मैसेज है? आपके बैच के बहुत सारे अच्छे ब्रिलियंट बच्चे हैं, इनको अब तक सेलेक्ट हो जाना चाहिए था, उनकी नॉलेज के लेवल बहुत अच्छा था, सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो कोई ऐसा और मैसेज है उनके लिए? उनके लिए एक ये है सर, विशेष रूप से जो भी बच्चा मतलब बार बार एग्जाम दे रहा है और वो सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मेरी तरफ से जो पर्सनली राय है वो ये है, उसकी जितनी भी आंसर की है, कई बार बच्चों के पास में आंसर की भी नहीं होती है, अपनी मिस हो जाती है, और जबकि आंसर की का होना तो बहुत छोटी बात है, उसका एक एक क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए कि हमने कौन कौन सा क्वेश्चन गलत किया। तो मेरी तरफ से जो है वो यही है कि वो अपने आंसर की सारी संभाल करके रखें और जो क्वेश्चन उनसे गलत हुए उन्हें बार बार करें, जो सही भी हो गए हैं कई बार तुक्के से उनको भी देखें, तुक्के वाले क्वेश्चन पे ये ना जाएं कि ये तो सही हो गया तो इसको छोड़ देना है, जो भी गलत क्वेश्चन है उनको बार बार देखें, आंसर की अपनी बार बार देखेंगे तो एक तो सर वो ऑथेंटिक होता है। किताबों से हम पढ़ रहे हैं कई बार मिसप्रिंट हो जाते हैं क्वेश्चन, जब हमने आंसर की को लेकर के अपने जो भी डाउटफुल क्वेश्चंस हैं जो गलत हुए हैं उन पे बार बार काम करना चाहिए, बार बार अपनी आंसर की को देखें, मेरी तरफ से तो यही है बस। अच्छा अनुभव, जब आपकी पहली सैलरी मिली है, मार्च में मिली पहली सैलरी, मार्च सैलरी अप्लाई में मिली होगी, क्या किया उस पैसे का, पूरा एक महीने की जो सैलरी मिली क्या किया, याद है कुछ या नहीं? मेरी जो सैलरी मिली सर, मैं अब आपसे तो क्या ही छुपाऊं, मेरे पास में मैंने इतना मतलब पहले से किसी से ले रखा है कि मेरी सैलरी का पता ही नहीं चलता अभी, और काफी दिनों तक पता नहीं चलेगा, मेरे पास में इतना बर्डन है, मतलब मेरे पास में जो पैसे आते हैं उनका खर्च होने का रास्ता पहले से तय होता है, ये है जी जी जी। तो पहली सैलरी मेरी पहली भी और अब की भी और आगे भी, अभी कुछ सैलरी का मेरा पता चलने वाला है नहीं, बहुत दिनों नहीं। अनुभव का कहना है कि जिम्मेदारियां हैं इनके ऊपर घर की, तो कर्ज वगैरह था उसको निपटा रहे हैं, बट पहली सैलरी का कुछ हिस्सा कुछ खास तरीके से खर्च तो किया होगा कि हाँ पापा के लिए कुछ ले लिया, मम्मी के लिए कुछ ले लिया, अपने लिए कुछ ले लिया, किसी खास के लिए कुछ लिया, या नहीं ऐसा कुछ किया? कुछ भी नहीं सर, मेरे पास में फोन भी 4G चला रहा हूं, मैं भी सब 5G चला रहा हूं। यानी अनुभव मेहनत कर करके जॉब कर करके इतने घिस गए थे कि पहले पैसा आने दो, जो लायबिलिटी है उसको निपटाते हैं, बाकी चीजें बाद में। अच्छा अनुभव, जितने भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े यूपीपीसीएल के लिए, उसमें सबसे ज्यादा पढ़ के किस सब्जेक्ट को मजा आया? जो सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ाए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा लगा, मशीन या बेसिक इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट? क्या मशीन अच्छा लगा सर, मोटर का आपने जो वर्किंग प्रिंसिपल समझाया वो मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में भी काफी मेरे लिए हेल्पफुल था कि मोटर कैसे काम करती है, जनरेटर कैसे काम करता है, उनके बेसिस पर मैं एग्जाम तो क्वालिफाई किया ही हूँ, बाकी मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी मतलब आपकी जो पढ़ाई हुई चीजें हैं वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुई हैं, मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी उनसे बहुत कुछ सीखा है, कुछ चीजें प्रैक्टिकली सीखी हैं, कुछ चीजें थ्योरेटिकली आपसे सीख करके और वो मजबूत हो गई, ये था मशीन सबसे अच्छा था। अब यहीं पे रुक जाना है, आगे उड़ने का सपना देखा है आपने कि नहीं अब जेई की तैयारी करेंगे या और किसी एग्जाम की, या यूपीपीसीएल में आपने टेक्नीशियन की जॉब हासिल कर लिए, नहीं फुल स्टॉप लगाना है, क्या सोचा है? सोचा तो सर ये है कि मतलब कम से कम जेई से करियर स्टार्टिंग हो, बाकी अगर एक मतलब दूरगामी मैं आपको बताऊं तो मैं ये चाहता हूं कि फाइनली अपना बिजनेस किया जाए, कोई आज नहीं तो 8-10 साल बाद सही, और बिजनेस में भी मैं अपना इलेक्ट्रिकल का ही बिजनेस सोचता हूं, कुछ अपना इलेक्ट्रिकल पैनल कंस्ट्रक्शन वगैरह का, इस तरह का मतलब मैं, अब वो चीजें डिपेंड करेंगी शादी के बाद में थोड़ा सा कैसे क्या होता है, करेगा क्या प्लान है, शादी करेंगे सर अभी,
देखो कब होती है ये, तो रिश्ते तो आते ही सर। अच्छा, यूपीपीसीएल में जॉब लगने से पहले और जॉब लगने के बाद रिश्तों में फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आया है? रिश्तों की फ्रीक्वेंसी सर बहुत चेंज आ गई है, अब उसको अगर परसेंटेज में बताया जाए तो क्या ही बताऊं मैं आपको। रिश्ते बढ़ गए होंगे 10-20 गुना बढ़ गए होंगे साले। हाँ जी, दरअसल क्या था सर, पहले मैं शादी पहले भी कर लेता, हमारी सिस्टर की शादी हो गई थी, मम्मी अकेली थी घर में, तो हम शादी के लिए पहले भी एग्री थे, लेकिन जैसी लड़की मुझे चाहिए थी वैसी लड़की नहीं मिलती थी, और जैसी मिलती थी वैसी मुझे चाहिए नहीं थी, इस वजह से पहले शादी नहीं हो पाई। अभी देखो अब शादी तो करेंगे, अब तो करनी है। अब तो ऑप्शंस बढ़ गए हैं, अब क्या दिक्कत आ रही है? या अभी कुछ दिन पैसे कमा के कर उतार के शादी करनी है? नहीं करेंगे सर, घर पे भी मम्मी अकेली रहती हैं, तो शादी तो करनी है। आप क्या कर रहे हो? नहीं बोलो बोलो। अच्छा, 1000 इनके ताऊ जी के बेटे भी आए हैं, इनके चचेरे भाई, वो करें 1000 गुना बढ़ गए। यानी जिस सोसाइटी से हम बिलोंग करते हैं ना सर, उस सोसाइटी में मतलब बहुत मायने रखती है सरकारी नौकरी, और चाहे छोटी से छोटी भी जॉब क्यों ना हो तो वो बहुत मायने रखती है कि भाई उसका लड़का है गवर्नमेंट जॉब पे लग गया है। ये है, ये जो है अलग अलग जगह का अलग अलग कल्चर है। जैसे आप यूपी की, बिहार की, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश की बात करोगे तो वहां पे आदमी स्टेबिलिटी ढूंढता है जॉब में, कि भले 10,000 की ही नौकरी हो, सफाई कर्मचारी की जॉब हो, बट स्टेबल जॉब हो, कि 60 साल तक की नौकरी हो एटलीस्ट, तब तक कोई टेंशन ना हो। उनको 2 लाख रुपए महीने वाली नौकरी नहीं चाहिए जहां पे अनसर्टेनिटी हो कि 6 महीने नौकरी हो सकता है 7वें महीने कंपनी निकाल दे, ऐसी नौकरी लोग नहीं चाहते। कोई भी शादी करता है अपने बेटे की तो चाहता है कम से कम उसको दाल रोटी का, कपड़े का जो मिनिमम खर्च है वो हमेशा पूरे होते रहे। जाते आते अनुभव, आपके मन में कुछ भी है जो कहना चाहते हो आप बच्चों के लिए, करियरविल के लिए, मेरे लिए, कुछ भी जो है, लास्ट मैसेज अगर कुछ देना चाहते हो आप तो बताइए। सर करियरविल का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके लिए तो मेरे पास में देखो कोई बहुत ज्यादा शब्दों की श्रृंखला है नहीं, आपका तो बड़ा उपकार है हम जैसे बच्चों के ऊपर जो अपना जॉब पा ले रहे हैं। बाकी करियरविल का भी बहुत बहुत धन्यवाद, राकेश यादव सर का बहुत बहुत धन्यवाद, उनके इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ करके बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, उन्हीं में से मैं भी एक हूँ। और मुझे इसके बारे में जो सजेस्ट किया था वो मेरे अंकल जी के लड़के थे रमाकांत, उन्होंने बताई थी इसके बारे में। मैंने फिर पूछा, मैंने कहा पता नहीं ऑनलाइन में टीचर कैसे होते होंगे, सही से पढ़ाएंगे कि नहीं, तो उन्होंने बताया कि तुम्हें टीचर सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उस प्लेटफॉर्म पर अच्छे ही टीचर हैं। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, और बच्चों से तो मैं यही कहूँगा कि ईमानदारी से, मेहनत से वो पढ़ें, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो सेलेक्ट ना भी हों तो बहुत ज़्यादा दिल पर लेने की आवश्यकता नहीं है, नौकरी पा करके कोई बहुत, बस ये है कि थोड़ा सा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। बाकी पैसे कमाने के तो बहुत सारे रास्ते हैं सर, अभी नजर नहीं आते बच्चों को, कई बार बाद में आ जाते हैं वो, तो बच्चों से यही है कि वो अपना मेहनत करके पढ़े। हमारे साथ के बच्चे हैं, जैसे एक वो शिवा है हमारा दोस्त, एक अरविंद है, गुड्डू भाई थे, गुड्डू भाई हमसे काफी होशियार थे पढ़ने में, लेकिन अनलकीली वो नहीं सेलेक्ट हुए, हम हो गए। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है गुड्डू भाई से। शिवा है, शिवा मेहनती बहुत है, लेकिन वो किस तरह पढ़ते हैं ये भी समझ में नहीं आता, वो पढ़ते बहुत हैं लेकिन अभी सेलेक्ट नहीं हुए, तो थोड़ा ईमानदारी से अगर लगे रहेंगे तो सेलेक्ट हो जाएंगे। ये है सर, सभी बच्चों के लिए ये है, वो मेहनत से पढ़ते रहें, और करियरविल ऐप का और आपका राकेश यादव सर का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, कई बार बच्चों के मन में सवाल होता है अनुभव कि सर बुक्स कौन सी पढ़ें, या जो आप नोट्स पढ़ा रहे हैं उतना ही पर्याप्त है, अलग से हमें कोई बुक्स भी पढ़नी चाहिए, या कंप्यूटर कहाँ से पढ़ें, तो क्या आपका कोई सजेशन बुक के लिए भी है कि आप टेक्निकल के लिए, कंप्यूटर के लिए कोई बुक यूज कर पाएं? बुक का सर ये है, देखो मैंने आपसे 10 बार पूछा, आपने एक बार भी मुझे बताया नहीं, वैसे ही आप मुझसे एक बार पूछ रहे हो तो मैं क्यों बता दूं। बुक का कोई सजेशन नहीं है, सही तरीका यही है जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे पढ़ें, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं, और सबसे ज्यादा ऑथेंटिक चीज है आंसर की, किसी भी एग्जाम की आंसर की कलेक्ट करें अलग अलग शिफ्ट की, और वहां से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। कई बार क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम बुक ले लेते हैं, उनमें बहुत ज्यादा मिसप्रिंट होता है। बुक मेरे पास में है कम से कम 5-6, और मैंने 5-6 पेज भी नहीं पढ़े उनके, बस शौक में ले ली, बाकी पढ़े नहीं है मैंने, सही में आपको बस जो पढ़ाया उसको नोट किया और नोट्स को फॉलो किया और आंसर की देखी, और कुछ नहीं। बुक का मेरी तरफ से तो कोई सजेशन है नहीं बच्चों के लिए। मेरा भी यही मानना है कि आप जो नोट्स आपको बनवाया जाता है, पढ़ाया जाता है, आप उसी से नोट्स बनाइए, उसके बाद क्वेश्चंस के लिए आप कोई बुक यूज करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे यूथ की बुक है, और भी कोई बुक आपको अच्छी नजर आती है आप वहां से क्वेश्चन करिए, और फिर जो टॉपिक्स आपको लगे कि कम समझ में आते हैं या नहीं समझ में आए हैं, फिर उसके लिए अगर आप यूट्यूब से या फिर किसी बुक से पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ऐसे टॉपिक बहुत चुनिंदा होंगे। अदरवाइज आप नोट्स पढ़ोगे या वीडियो देखोगे तो 90% टॉपिक्स आपके क्लियर हो ही जाएंगे।
कोई टॉपिक ऐसा समझ में नहीं आता है, आपको लगता नहीं ये पर्टिकुलर एग्जाम हमको देना है, यहाँ पे इससे सवाल ज्यादा आते हैं, तो कभी कभार उसके लिए कोई बुक जरूरत हो पढ़ने की तो आप पढ़ो। अदरवाइज आप ट्रांसफॉर्मर की कोई बुक पढ़ोगे तो कोई जरूरत नहीं है, आपको ट्रांसफॉर्मर आपके नोट से सारा का सारा कवर हो जाएगा। यही काम अनुभव ने भी किया, सवाल के लिए आप कोई बुक यूज कर सकते हो। लास्ट में जाते अनुभव, आपको अनिल विश्वकर्मा को थैंक यू बोलना चाहिए, बोलो। जी जी जी, अनिल विश्वकर्मा से मेरी बात होती है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उन्हीं की वजह से हमारा ये ऑनलाइन बैच आया था, आपने बताया था, और वो अभी बेचारे सेलेक्ट तो नहीं हुए हैं, बाकी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनका भी लाइफ जो है बड़ी स्ट्रगल में है, और उनके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, उनसे मेरी बातें भी होती हैं अनिल विश्वकर्मा जी से। देखिए, अनिल जितना संघर्ष करेंगे उतना ज्यादा वो अंदर से मजबूत होंगे, और जब वो मजबूती शरीर में दिमाग में रहती है ना, तो जब भी कभी मौका मिलता है तो सारा अनुभव एक साथ निकल के आ जाता है। तो हो सकता है अनिल को टाइम लग रहा हो, बट अनिल का फ्यूचर और अनिल की जिंदगी बहुत बेहतरीन होने वाली है। अनिल कौन है मैं बता दूं कि मैं पहले जब ऑनलाइन पढ़ाया करता था करियर लैब पे, तो जूनियर इंजीनियर का बैचेस था, आज के 5-6 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, आईटीआई के बैचेज नहीं आया करते थे। तो अनिल जो है उनका कोई दोस्त था या रूम पार्टनर था, वो जेई की तैयारी करता था, तो अनिल वो वीडियो जेई की देखा करते थे मेरी, और अनिल को फिर नंबर मिला होगा मेरा अपने दोस्त से, तो अनिल मैसेज करते थे, सर आईटीआई का भी बैच ले आइए, आईटीआई का ही बैच ले आइए। मैंने कहा मैं आईटीआई के बच्चों को नहीं पढ़ाता हूं, मैं जूनियर इंजीनियर के बच्चों को पढ़ाता हूं। अनिल लगातार एक साल तक मैसेज करते रहे, हर महीने हर 15 दिन बहुत बड़े प्यार से, सर आपने प्लान किया क्या कि करियर लैब पे आईटीआई का बैच आएगा, आईटीआई का बैच आएगा। मैंने कहा चलो एक बैच स्टार्ट करते हैं, तो आईटीआई का बैच स्टार्ट किया, और उसके लिए मैं ऑफलाइन जब पढ़ाता था तो पैरामाउंट टेक्निकल विंग में पढ़ाता था, मुखर्जी नगर ही जीटीबी नगर में, उन बच्चों का शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि उन बच्चों से जो आपके हिंदी के टर्म्स हैं वो समझने में मदद मिली, क्योंकि उनको मैं ऑफलाइन पढ़ाता था आमने सामने, जैसे ससेप्टेंस है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इंपीडेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, ये सब टर्म्स मुझे हिंदी की बहुत अच्छे से नहीं आते थे, तो इंपीडेंस को प्रतिबाधा बोलते हैं, या एडमिटेंस को क्या बोलते हैं, या ससेप्टेंस को क्या बोलते हैं, तो बच्चे सामने जो बैठते थे जो हिंदी मीडियम से पढ़ के आते थे, जब मैं उनको समझाता था मतलब, तो हिंदी उसकी बता देते थे, सर इसको प्रतिबाधा बोलेंगे, इसको प्रतिरोध बोलेंगे, तो वहां से कुछ चीजें मैंने सीखी जो आपको ट्रांसफर हुई, क्योंकि मेरी हिंदी टर्म्स की उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि मैंने जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है वो हिंदी में नहीं पढ़ी, हिंदी में नहीं इंग्लिश में पढ़ी हुई है, लेकिन इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना, वो जो टर्म्स हैं वो उन पैरामाउंट के बच्चों से सीखा, एएलपी का जो पहला बैच आया था मुझे लगा 2018 की वैकेंसी रही होगी, फिर उन बच्चों से सीखा, और फिर आपको जब पढ़ाया तो आपको हिंदी भी समझ में आती है, इंग्लिश भी समझ में आती है, दोनों भाषाओं में लिख भी देता हूं, दोनों भाषाओं में बोल भी देता हूं, तो लंबे समय से पढ़ाने का ही तो एक्सपीरियंस रहता है। तो अनिल ने बैच स्टार्ट करवाया और जो ऑफलाइन के बच्चे थे उन्होंने हिंदी सिखाई, क्योंकि एक इंग्लिश टीचर के लिए हिंदी में पढ़ाना इतना आसान नहीं होता है। तो आपकी जो सफलता है उसमें मेरा योगदान है, करियर व्हील का योगदान है, अनिल का योगदान है, और बहुत सारे, जब कई सारी चीजें एक साथ मिल करके एक दिशा में आती हैं तब आपको सफलता मिलती है, और वही सफलता अनुभव को मिली, और बहुत सारे ऐसे बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो कोई एक चीज जिम्मेदार नहीं होती आपकी सफलता के लिए। तो अनुभव आप आए, आपने अपना रहस्य शेयर किया, तो मेरे जितने भी बच्चे आपको देख रहे हैं देखेंगे उन सभी की तरफ से आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई हो, और उम्मीद करते हैं आपका जो भी सपना आगे हो वो जरूर पूरा हो। कुछ कहना है? बस सर मैंने बोल दिया जो भी आपको बोलना है। तो ठीक है, आज का सेशन ही पिंड करते हैं, उम्मीद करते हैं आप में से फिर कभी कोई दिल्ली मिलने आएगा तो ऐसा उसके साथ एक सेशन और करेंगे। थैंक यू सो मच।